अभी अटेंडेंस के नाते डिटेन हुए थे, तो बैक के फॉर्म हम भरे जा रहे हैं, रीअपेयर के हमारे। और ऋषभ आ रहा है अभी हॉस्टल से लैपटॉप लेके, क्योंकि कल है लास्ट डेट, उसके बाद फाइन लग जाएगा हमारा। तो अभी रीअपेयर की का फॉर्म फिल करने के बाद फीस जमा करनी। ये बॉयज हॉस्टल, यहाँ बैठते हैं, हम इंतजार करते हैं थोड़ी देर उसका। ये रिसेप्शन है अभी। और भाई ऋषभ जैन क्या हाल है? और इधर वार्डन बैठते हैं इस रूम में, सामने जो रूम है वार्डन बैठते हैं सारे, ग्राउंड फ्लोर के वार्डन है, सब फ्लोर पे अलग अलग वार्डन हैं। और ये जो मशीन है, अटेंडेंस मशीन है, ये रोज़ यहाँ पे हॉस्टल के बच्चों की बायोमेट्रिक होती है, ये बच्चे हैं कि नहीं। रात में सबकी बायोमेट्रिक होती है यहाँ पे कि हॉस्टल में बच्चे अंदर हैं, कि बायोमेट्रिक करना कंपलसरी है रोज। ये सामने वार्डन बैठे हैं और बस यहीं तक जो है डे स्कॉलर्स आ सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते डे स्कॉलर्स, उसका भी फाइन है। तो यहीं पर रोक लिया जाता है डे स्कॉलर्स को, तो इसीलिए भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ बैठ कर ऋषभ का। इधर लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ से बच्चे निकल के आएंगे। ये ऋषभ से शो दिया आते हैं लैपटॉप लेके अपने, निकालो मौत का फरमान भरो अपना। मौत का फरमान नहीं है, डीसी का फरमान है ये। कॉलेज 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 ना जाने का फरमान है। अगर ये हमने टाइम से भर दिया ना तो भी से मिल जाएगी। उससे पहले तो फाइन बच जाएगा। क्या करें, हर चीज को समझ तो सकते नहीं एक साथ, क्या करें। कॉलेज जाओगे नहीं तो डिटेन ही होगे। भाई नमन जैन मोबाइल में खोए हुए जा रहे हैं, अपने लैपटॉप तो दिखा दो पहले। वैसे ये इन्होंने खाने पीने का शौक ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है इसको। खाने पीने का शौक ही नहीं है। खाने पीने का शौक ही नहीं भाई। अबे इसी का तो पैर टूटा था, किसका टूटा था? हॉस्पिटल गया, एनजीओ। इसकी तरह लग रहा है बिल्कुल। बैठ जा बैठ जा बैठ जा कालू। मेरे घर में कुत्ता है, नहीं सही। हेलो कर ले, पास जाके कर। सिट क्या? सिट सिट वो सिट अंग्रेज के चोदे। गली हो गया मन में। हम सबमिट अभी हो चुका है, अब हमें फीस पे करनी है और कल लास्ट डेट है, कल सैटरडे में देखते हैं फीस जमा करने का, इसमें हम डालेंगे नहीं डालेंगे अभी ब्लॉग में, या फीस कल जमा करते हैं। ये पानी के लिए क्या ले गया है? हेलो ये हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद यहाँ बहुत ही शानदार हवा चलती है। अब जा रहे हैं हम बाहर। ये हॉस्टल का व्यू पूरा
कंप्यूटर साइंस की, इसके पीछे आए नर्चर और LLB वाले, और ये काफ़ी सारे कोर्स हैं। ये अपनी डेंटल सामने, उधर नर्सिंग, वाइट टी शर्ट, यहाँ पे बसें खड़ी हैं सारी खराब। फिर ये क्लासेस के लिए सब चेयर वगैरह तैयार हो रही हैं, ये हॉस्टल के लिए। उधर हॉस्टल के लिए कूलर भी यहीं बन रहे हैं। काम चलता ही रहता है। ये क्या बन रहा है ना, एक खुदाई उदाई किस लिए हुई है। हॉस्टल का कुछ रिव्यू देना चाहेंगे, हॉस्टल में कैसा है मामला अंदर? नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं है, मैं निकलते हूं बाहर। मतलब खाना वाना कैसा है, कुछ बताना चाहिए? खाना वगैरह तो बढ़िया है, ठीक है। और वार्डन का क्या हाल है? वार्डन भी सही है, कोई है एक दो जो पड़े मुझे डाइवर सब ठीक है। स्टार वाली फीलिंग आ रही है आपको इस टाइम पे? स्टार वाली फीलिंग आ रही है क्या आपको? इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये हमारे प्रिंसिपल सर की गाड़ी, और एक यहाँ पे फॉर्चुनर घूमती मिलेगी, फॉर्चुनर या इनोवा, उससे बच्चे थोड़ा हट के रहते हैं। ये अब है जो कि कभी क्लास में नहीं, मुझे सिर्फ इसी जगह पे मिलता है, कभी ये आता है तो मैं जा रहा होता हूँ, आज ही मिला। और बैडमिंटन ही खेल रहा है पिछले 2 सेमेस्टर से। हथियार इसकी है यार, ये हॉस्टल वालों का हथियार, इसके सहारे निकल कर आए हैं, वरना बाहर गेट पे नहीं रोक।